दोस्तों डीए यानी कि महंगाई भत्ता फ्रीज होने से ग्रेजुएटी के साथ साथ में ईएल का कर्मचारियों को हो रहा है बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ में राज्य कर्मचारियों के लिए भी। और जैसे कि आप सभी को ये मालूम है कि सरकार ने कोविड-19 की वजह से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर जून 2021 तक रोक लगा दी है। तो इस रोक का असर सर्विंग केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ जनवरी 2020 के बाद रिटायर्ड होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। तो किस तरीके से महंगाई भत्ता फ्रीज किए जाने का असर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले ग्रेच्युटी और ईएल पर पड़ रहा है और कितना नुकसान यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी को हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको भी लगता है कि रोका गया महंगाई भत्ता तुरंत भराव से मिलना चाहिए तो वीडियो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट लिखकर जरूर बताएं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी और ईएल के रूप में भी महंगाई भत्ते का नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जनवरी 2020 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। फ्रीज होने से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ तो कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है और ग्रेच्युटी के साथ साथ में अर्जित अवकाश के रूप में भी कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे कर्मचारियों में निराशा तथा नाराजगी है और इसके संबंध में कर्मचारी नेताओं की ओर से वित्त मंत्रालय को पत्र भी लिखा गया है। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारियों को अन्य भत्तों के अलावा 16.5 महीने की ग्रेच्युटी तथा अर्जित अवकाश के रूप में 300 दिन का वेतन मिलता है। इसके विपरीत जनवरी 2020 से पहले डीए 17% था जो कि जनवरी 2021 से 28% तय हो गया है। इस तरह से डीए में 11% की बढ़ोतरी हो चुकी है लेकिन फ्रीज होने की वजह से कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश का निर्धारण बेसिक पे तथा डीए को जोड़कर किया जाता है और ऐसे में डीए फ्रीज करने का असर इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश के रूप में मिलने वाली राशि पर भी पड़ रहा है। वेतन और पेंशन निर्धारण के जानकार यहाँ पर कहते हैं कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस वर्ष जनवरी में रिटायर्ड होता है और उसकी बेसिक पे 50,000 रुपये है तो उसे 16.5 महीने के वेतन पर 11% डीए के हिसाब से लगभग 1.25 लाख रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर एक बात निश्चित हो चुकी है कि यदि एक सरकारी कर्मचारी जो कि 50,000 रुपये की बेसिक पे लेकर जनवरी 2020 में रिटायर हो चुका है तो उस सरकारी कर्मचारी को अभी तक लगभग 1.25 लाख रुपये से ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर उठाना यानी नुकसान हो चुका है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कि एक तरफ जहाँ सरकारी कर्मचारियों को कम महंगाई भत्ता मिल रहा है और इसका नुकसान रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले ग्रेच्युटी और लीव इन्वेस्टमेंट पर भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो यदि आपको भी लगता है कि सरकारी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से बड़ा वो रोका गया महंगाई भत्ता मिलना चाहिए यानी कि 28% महंगाई भत्ता मिलना चाहिए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें जिससे आपके दोस्तों भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। और दोस्तों इसके अलावा एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट कि जनवरी 2021 से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई 4% की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो जनवरी 2021 से कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी तय हो गई है। जुलाई 2020 से लेकर 24% यहाँ पर महंगाई भत्ता फिक्स हो चुका था और 4% बढ़ोतरी के बाद अब डीए यहाँ पर 28% हो जाएगा। इसका लाभ करीब 60 लाख केंद्रीय व और केंद्रीय कर्मचारी और इतनी ही संख्या में जो पेंशनर्स हैं उन्हें मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि दिसंबर 2020 का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यहाँ पर जारी किया गया है उसके आधार पर भी महंगाई भत्ता यहाँ पर हो चुका है 28%। तो यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2020 में 330, फरवरी में 328, मार्च में 326, अप्रैल में 329, मई में 330, जून में 332, जुलाई में 336 अंक और अगस्त में ये रहा था आपका 338 अंक जो कि सितंबर में हो गया था 340 और अक्टूबर में ये रहा था आपका 344 और नवंबर में ये रहा था आपका 345 अंक। और उसके बाद में कल यहाँ पर दिसंबर 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी जारी कर दिया गया है जो कि रहा है आपका 342 अंक। तो इसी तरीके से जो पिछले 12 महीने का सूचकांक और आपका जो सीपीआई इंडेक्स है जो कि औसत यहाँ पर बनता है 335 अंक और इसके अनुसार महंगाई भत्ता आपका हो चुका है 28.14%। तो यहाँ पर ये पक्का हो चुका है कि जनवरी से कर्मचारियों और पेंशनर का महंगाई भत्ता हो चुका 28%। तो सीधी सीधी यहाँ पर 11% की बढ़ोतरी हो चुकी है और जैसे ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी तो यहाँ पर फिलहाल जनवरी 2021 तक आपका महंगाई भत्ता हो चुका है 28%। तो इस तरीके से अब यहाँ पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को लगभग 11% महंगाई भत्ते का नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ में ही जो सर्विंग केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें भी 11% महंगाई भत्ता फिलहाल कम मिल रहा है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।